स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करनाल के कर्ण गेट मार्केट को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिसके चलते इन बाजारों में दो पहिया वाहन व फोर व्हीलर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये नियम 1 अप्रैल से शुरू किया गया है, जिस पर दुकानदारों द्वारा विरोध जाहिर किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से जनरल मैनेजर स्मार्ट प्रोजेक्ट रमेश कुमार बाजार पहुंचे और दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 7 दिन तक ये मार्केट ट्रायल के बेस पर ली गई है, अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। वहीं इस नियम से कर्ण मार्केट व गुड़ मंडी के दुकानदारों में विरोध देखने को मिला। दुकानदारों ने कहा कि इस नियम से उनकी दुकानदारी प्रभावित होगी और कोई बुजुर्ग इतनी दूर तक पार्किंग में गाड़ी रोककर यहां तक नहीं पहुंच सकता, महिला भी बच्चे को लेकर यहां तक पैदल नहीं पहुंच सकती, इसलिए टू व्हीलर व लोडिंग के वाहनों को इस मार्केट में आने जाने की इजाजत दी जाए। वहीं रमेश कुमार ने कहा कि दुकानदारों से बातचीत की गई है और उनकी समस्या को जिला उपायुक्त के सामने रख दिया गया है, अगर किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी ने कहा कि इस नियम से स्मार्ट सिटी के चलते बाजार और खूबसूरत व अच्छे लगेंगे। प्रत्येक नए कार्य के लिए थोड़ी दिक्कत दुकानदारों को भी उठानी पड़ेगी, जो कुछ दिनों में उनके लिए अच्छी बात बनकर सामने आएगी और उनके व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से करण गेट मार्केट को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और 7 दिन तक यहाँ पर सख्ती से इस नियम का पालन करवाया जाएगा। अगर कोई बुजुर्ग लेडीज आए उनके सबसे बड़ी देखो, अगर कोई घर से कोई लेडीज बच्चा साथ आ रहा है, मियां बीबी और छोटा बच्चा साथ आ रहा है, तो वो छोटे बच्चे को उठा के जीटी रोड पे इतनी दूर तक नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर टू व्हीलर आ जाता है तो कोई उसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट की भी अपनी बड़ी अच्छी सोच है, जो उन्होंने का प्लान बना रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से हम इसको मॉडिफाई करेंगे, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो देखो दुकानदार को भी सहनी पड़ती हैं और पड़ेंगी भी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सहने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा है कि दिक्कतें जो कह रहे हैं सहनी पड़ती हैं? बिल्कुल सहनी पड़ती है। कल की बात है, 4 नगाए मेरे वहाँ पे, मैं घर में फेंकवाने पड़े, अब कहाँ से लाऊँ, रात को फेंकूँ या सवेरे फेंकूँ, अब क्या कहूँ, मेरा पैर तो कोई जवाब दे रहा है। अब ये लोग बैंक में जाना सुबह, मैं क्या भाई कैसे जाऊँ, वो कह रहे भाई एक्टिव बार लगा दो, आप पैदल जाओ अंदर, बताओ मेरे पास कैश है, मैं बैंक जाना पंजाब नेशनल बैंक में, मैं कैसे जाऊँ। सर टू व्हीलर की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है जी, ये तो बहुत ही बहुत नहीं, अब तो टू व्हीलर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की मांग है कि कम से कम मोटरसाइकिल ने इसको ब्लॉक कर दिया है और इसमें कुल 5 दिन और रह गए हैं, 5 दिन और 2 दिन, 7 दिन के लिए एक प्रयोग है जिसमें एक संडे भी बीच में आ रहा है, 5 दिन के बाद फिर बैठेंगे मीटिंग, पूरी एसोसिएशन के साथ बैठेंगे और जो भी इनके बले में होगा वो ऐसा ही डिसीजन लेंगे। फिलहाल व्यवस्था वही रहेगी, व्यवस्था वही रहेगी। और अभी से इसमें लाइटों का अगर कहीं नहीं है तो लाइटें बहुत जल्दी लगनी शुरू हो जाएंगी मार्केट में, अगर CCTV की रूट है तो CCTV बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाएंगे, वाटर ATM हैं, बेंच हैं, वो सारी सुविधाएं डी साहब ने कहा भी हम इसमें जल्दी कराएं। सर तकरीबन व्यापारियों को कह रहे हैं कि अंदर तक महिलाएं जो है चलकर नहीं जा सकती, सराफा बाजार है, गुड़ मंडी है, जो अंदर का एक इलाका है करण गेट का, वहां तक कैसे जाएंगी महिलाएं? टू व्हीलर की बात कर रहे हैं अलाउड करने की, नहीं तो कह रहे हैं कि कलम बाजार भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा है। यही चीज़ देखने के लिए 7 दिन दिए गए हैं जी, टू व्हीलर से अगर ऐसा लगेगा भाई बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है तो टू व्हीलर DC साहब फिर अलाउड कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दुकानदारों के नुकसान नहीं, 2 दिन से नहीं लग पाएगा जी, DC साहब ने कुछ सोच समझ के ही 7 दिन का टाइम दिया है ये, और 7 दिन कोई ज़्यादा, 2 दिन तो निकल ही गए, एक संडे आ गया परसों, तो मंडी तो खुलती है संडे को। सर दिक्कत ये आ रही है ना, व्यापारी हम सुबह आए थे तो व्यापारी कहते हैं हमारी बोनी तक नहीं हुई, आज जो जो व्यापारी कोई भी कोई डेली की यानी कि उनकी सेल है आज 2,000-2,500 पे खड़े हैं वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, कोई भी नया काम अगर कोई नया स्टेप उठाएंगे उसमें एक बार तकलीफ जरूर आएगी, लोग करण गेट में आने के बिना, इस मार्केट में आने के बिना किसी भी ग्राहक का पेट नहीं भरता, वो जरूर आएंगे यहाँ पे, अगर थोड़ी दिक्कत होगी 7 दिन के अंदर हो सकता है फ्लो पूरा आ जाए, यही लोग कहना शुरू कर दें जी ठीक हो गया, अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके बाद फिर। दो चीज़ें हमारे सर, पार्किंग जो आपने शुरू की है उसमें व्यापारी करें, एक तो हमारे पास बनाए जाए और लोगों के लिए जो पैसे वो थोड़े से जो 10 और 20 रुपये, 5 और 10 रुपये कर दिए जाएँ तो लोगों को भी लगेगा चलो 5 मिनट के लिए जाना है तो 10-20 रुपये खर्च नहीं होंगे। आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, उसमें व्यापारी के पास की सुविधा पहले ही दे रखी है, 10 रुपये डेली के हिसाब से है व्यापारी की, और जहाँ तक लोगों के जो उनको फेर देना है उसमें उसकी बात है, उसमें 20 रुपये रखे जैसे हम कार के 20 रुपये, 20 रुपये में 16 रुपये 40 पैसे उसको बचेंगे, बाकी उसका GST में चले जाएगा, उसके लिए हमने रिक्शा का भी उसको दिया है, वो ऑटो रिक्शा लेके आए वो। ब्रेकिंग न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।